जनरली ये सवाल आता है कि आखिर पढ़ने का क्या टाइमिंग होना चाहिए या पढ़ने का क्या तरीका होता है। मैंने अपने बहुत सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है जो हमारी एकेडमी के हैं, और मैंने ये नोटिस किया है कि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। आपको क्या करना है, आपको कोई 2 से 3 घंटे जो है वो सेपरेट करने हैं, और उसके बीच ब्रेक जो है ना बहुत सोच समझ करके लेना है। आपका जनरल रूटीन क्या है, जनरली आप जब तैयारी करते हैं तो आपने एक सब्जेक्ट उठाया, पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने फोन उठाया, ब्रेक ले लिया। ब्रेक में अगर आप फोन उठा रहे हो तो सब कुछ साफ है, ठीक है। ये कहने की बात होती है कि सोशल मीडिया पे हम अपडेट रह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि आपने पिछले 3 महीने में जितना भी सोशल मीडिया से अपडेट लिया है उसमें से कितनी चीजें आपको याद है, लेकिन अगर आप कायदे से पढ़ रहे होंगे ना, आप अगर रीडिंग कर रहे हैं, तो 3 महीने पहले भी कोई रिपोर्ट, कोई इंडेक्सेस या फिर कोई भी ऐसी किताब का कोई पार्ट आपको जरूर याद होगा, ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं तो आपको नॉलेज वाली चीज ना वीडियो से याद नहीं होगी, ठीक है। और अगर याद होती है तो फिर इससे बढ़िया तरीका आपके लिए कुछ नहीं है। और नहीं होती है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में ब्रेक लें, या सिंगल सब्जेक्ट के बीच में ही इन बिटवीन अगर आप ब्रेक ले रहे हैं, तो उस ब्रेक में आप अपने आप को खाली रखें। कारण कि जो चीज भी आपने किताब से पढ़ी है उसको सैचुरेट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई फिजिक्स, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी, कोई पॉलिटिकल प्रिंसिपल, ठीक है, कोई थ्योरी पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझ गया, खुश हो गए, आपने ब्रेक लिया और वहीं पे जाके आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चला लिया, होगा क्या, जो क्या समझा था वो सब कुछ साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। यही होता है। आप फिर आपको लास्ट में क्या लगता है कि मैं तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे याद नहीं हो रहा। याद कैसे होगा, आपने सैचुरेट होने का तो टाइम ही नहीं दिया। फिर दूसरी गलती क्या करते हैं, जब भी आपने ब्रेक लिया आप या तो टीवी देख लेंगे या फिर आप अपने दोस्तों के साथ निकल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि नॉलेज को गेन करे, तो एकांत और एकाग्रता बहुत जरूरी चीज है। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उस सब्जेक्ट को याद रखना चाह रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में सोचें, और सोचेंगे तभी जब आप खाली होंगे, ठीक है। लड़ाई करना बहुत आसान है, शांत बैठना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो कोशिश करिए कि जब आप पढ़ें, सबसे पहली चीज तो सेपरेट टाइम होना चाहिए, कि अगर आप रात को भले 11 बजे से आप 2 बजे तक पढ़ रहे हो, लेकिन उस 11 बजे से 2 बजे के बीच में फोन अलाउड नहीं है। आपको कोई भी सब्जेक्ट से दिक्कत आ रही है तो उस सब्जेक्ट को क्या करना है, आप उसको नोट करेंगे। अगर आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरी है गूगल करना, तो आप गूगल करिए, अगले दिन आप उसको नोट करिए कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जो ये आपकी हैबिट होती है ना कि आपने गूगल अपने साइड में रख लिया, और ये नोट्स बनाने तक तो ठीक है, लेकिन फिर वो नोट्स ही बनते हैं, आपको वो याद नहीं रहेगा। जैसे ही आप नोट्स को कंप्लीट करते हैं तो इशू क्या होता है कि नोट्स तो बन गए लेकिन याद रखने वाली प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो आप फिक्स करिए कि हाँ, 9 से अगर 12 पढ़ना है या जितना भी टाइम पढ़ना है, एटलीस्ट 3 आवर 4 आवर पढ़ना है, ठीक है, रात के टाइम पे खासकर। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ने के बीच में मोबाइल फोन यूज ना करें, ठीक है। और एक बार जरा मोबाइल फोन पे जाकर के और डिजिटल वेलबींग में जरूर देख लीजिए कि आपका मोबाइल फोन का यूजेस क्या है। अगर वो यूजेस 2-3 घंटे जितना भी है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हो सकता है आप क्लास लेते हो सकता है आप वीडियो देखते हो, ठीक है, लेकिन आप देखिए कि अगर मोबाइल फोन का यूज 7-8 आवर्स है, तो दिन का 1/3 जो है वो आप तो वैसे ही फोन में ही निकाल रहे हैं, और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट जो है मेरा बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, जरा सी नॉलेज होगी ना तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी सब्र रखना है। मान लेते हैं 2 दिन आपने ये चीज़ फॉलो कर ली और आपको लगा कि हाँ बहुत अच्छा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पता लग गई। तो नॉलेज को आपको शांत भी रखना है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज को लेकर के आप फुदकते रहे, तो वो चीज़ को ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, किसी से बात ना करें। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उस सब्जेक्ट के बारे में सोचें, और फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट करना है उस सब्जेक्ट के बारे में सोचें। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं
तो उस 4 घंटे के बीच में मोबाइल फोन बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नोट कर लीजिए, 4 घंटे के बाद उस प्रॉब्लम को गूगल करिए, जो भी करना है करिए, उसको सॉल्व करिए, और नहीं तो 4 घंटे के पहले, उस 4 घंटे में सॉल्व करना है तो किताबों से सॉल्व करिए। जितनी किताबें चाहिए देखिए, ढूंढिए, पेज पलटिए, पढ़िए उसको, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन दो, लेकिन मोबाइल फोन नहीं देखना है। दूसरी जो गलती करेंगे, ब्रेक लेते ही आप अपने मतलब भाई से, बहन से, या जो भी होगा, आपको लगता है कि थोड़ा उधर बात कर लेते हैं। ब्रेक लेने का ये तरीका नहीं होता है भाई। ब्रेक लेने का तरीका है कि आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए कूल डाउन कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूअसली आप रीड कर रहे थे तो उससे आपने ब्रेक ले लिया। ब्रेक का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, तब कहीं जाकर के जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आना आना आने लगेगा। कहने का मतलब ये है। और अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके 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 लिए बेनिफिशियल रही है, आपको आपको फायदा दे रहे हैं, तो जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।